भाई साहब कुशीनगर में ताजिया बना है जो भारत का नंबर वन ताजिया बताया जा रहा है और जिसकी लागत बताया जा रहा है 20 लाख रुपए लागत लगी है। ये काफी ट्रेंड चल रहा है इस समय और लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लेकिन एक चीज अभी तक सामने नहीं आया है, खुलासा नहीं हुआ है, वो कौन व्यक्ति है जो ताजिया बनवा रहे हैं। लगातार इस बात को कहा जा रहा है हिंदू भाई ने ताजिया बनवाया, हिंदू भाई ने ताजिया बनवाया, लेकिन वो कौन है शख्स जो ताजिया को बनवाया है, आज हम आपको सामने दिखाने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये ताजिया जो बनवा रहे हैं, कैसे आपने ताजिया बनवाना शुरू कर दिया, कैसे आपके मन में आया कि मुसलमानों के लिए भी मुझे ताजिया बनवाना चाहिए। हमारे साथ हैं जो ताजिया को बनवा रहे हैं हिंदू भाई हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानवेंद्र प्रताप शाही है। जी जी, आप ये जो ताजिया बनवा रहे हैं, एक कहा जाए जो हिंदू मुस्लिम की मिसाल कायम कर रहे हैं, ये कैसे दिमाग में आपके आया कि ये ताजिया बनवाएंगे? नहीं, हिंदू मुस्लिम का मिसाल तो सर ही ताजिया हम लोगों का वहाँ बनता है, बचपन से हम लोग छोटे से बना चला आ रहा है, मेला के वजह में बनता है। और जैसे एक धर्म का तो त्यौहार है, लेकिन हम लोग जैसे हमारे वहाँ जैसे सब लोग मिल के बनाते हैं, जैसे यहाँ मेला के लिए वजह में ही बनाते हैं, और इसी जगह पे हर साल जैसे मेला लगता है मुहर्रम, हर साल का यहाँ मेला लगता है और हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर के त्यौहार को मनाते हैं। सब लोग मनाते हैं। इस बार का जो ताजिया बनाया है काफी बड़ा बनाया गया है, एक भारत में समझ दी, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में इसका नाम चल रहा है। जी भैया, यही जैसे हम लोग का ये है कि इसको भव्य और दिव्य बनाया जाए। हाँ। और इसको बहुत मेहनत हुई है और इसको अपने तरफ से हम लोग भव्य और दिव्य बनाने के प्रयास किए हैं। सारे गाँव का लोगों का भी सहयोग रहा है कि इसको भव्य और दिव्य बनाया जाए, और उसके उसी एवज में इसको भव्य और दिव्य हम लोग बनाए हैं, और कोई इसमें जैसे जी। अच्छा, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कोई कह रहा है 15 लाख रुपए लगा है, कोई कह रहा है 20 लाख रुपए लगा है। हम आपके मुंह से जानना चाहेंगे कितने रुपए की लागत से ताजिया बना हुआ है। भैया, अब तक तो जैसे 13 लाख रुपए मेरा खर्च हो चुका है, पहले 8 दिन पहले 13 लाख रुपए खर्च हो चुका है, बाकी अभी जो भी इधर काम हुआ है इसका कोई भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये इसकी अनुमानित लागत से भी 15 से भी अधिक जाएगा, ये मेरा अनुमानित लागत है। अभी तो और भी जैसे मेला जब खत्म होगा तब ना इसका फाइनल समथिंग कहा जाए 20 लाख पकड़ रहेगा। हाँ, चला जाएगा, चला जाएगा। इसका हाइट कितना है? इसका हाइट भैया है 90 फीट। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके के सोशल मीडिया पर लगातार ये बताया जा रहा था कि 150 फीट है, 120 फीट है, लेकिन इनके मुंह से मैंने सुना अभी कि ये 90 फीट हाइट बताया जा रहा है। आप भी देख ही सकते हैं कितना विशाल, कितना बड़ा ये ताजिया बना गया है। ये कहा जाए देशों में नहीं बल्कि विदेशों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और जो नेता हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, दोनों को लड़ाते रहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उसमें तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये राजनीति से परे चीज है, लेकिन ये है कि हमारे देश का जो नारा रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी धर्म एक में मिल के काम करें, सभी धर्मों का त्यौहार होता है, चाहे मैं जैसे पैसे से हिंदू, मेरा भी त्यौहार है, ये लोग मुसलमानों का त्यौहार, सबका त्यौहार है, सबको आपस में सामंजस्य बना के ऐसे मनाना चाहिए, न कि किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा करके मनाना चाहिए। यह त्यौहार जैसे हम लोग के वहाँ ढोल का भी त्यौहार होता है और प्लस ताजिया का भी त्यौहार होता है, दोनों में जुलूस निकलता है, दोनों लोग आपसी सौहार्द से एक साथ मिलाए, मिलजुल के बैठ के मनाएं, इससे अच्छा कुछ नहीं कहेंगे। ये हमारे ग्राम सभा का जैसे ही है कि इसमें मेला है, मेला किसी धर्म समुदाय का नहीं होता है, मेला सब लोगों का होता है, और उसमें सब लोग आए, सब लोग भागीदारी लें, ये नहीं है कि किसी धर्म समुदाय से है। बिल्कुल, हमारे देश में कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई, वही चीज़ आज साबित करके दिखा दिए हैं कि हिंदू होते हुए भी मुसलमान भाइयों के लिए ताजिया बनवाया है, जो कि एक बेहद मिसाल कायम हो रहा है। आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे कितना बड़ा ये ताजिया बनाया गया है, ये कुशीनगर जिले में सिंघा गाँव में बनाया गया है। अब लोगों से भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्या कभी ऐसे ताजिया लोग देखे थे कि नहीं देखे थे? आप लोग ऐसे ताजिया देखे थे कभी? नहीं, कभी नहीं। हम अपने देखे थे? नहीं नहीं, कभी नहीं। आप देखे थे कभी ताजिया इतना बड़ा? आप लोग देखे थे ताजिया? कभी देखे थे आप लोग? जी नहीं। आप देखे थे दादा? नहीं, अभी नहीं देखे थे। यानी सबका कहना है कि हम ऐसे कभी ताजिया नहीं देखे थे, आज पहली बार ऐसे इतना बड़ा ताजिया दिखाई दे रहा है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ताजिया, मैं आपको चारों तरफ से एक बार घुमाने का प्रयास करेंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कितना बड़ा ये ताजिया बनाया गया है। आप सोच ही सकते हैं जिसकी लागत बताया जा रहा है 15 लाख से ऊपर लगा है, समथिंग 20 लाख तक पहुँच गया है, और इसकी जो हाइट है 90 फीट बताया जा रहा है। ये आपको मैं जो यहाँ से खबर दिखा रहा हूँ, सिंघा ग्राम सभा से मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ पे इतना बड़ा ताजिया जो बनवाया गया है एक मिसाल कायम होने वाला है। आप सोच के देखिए, कुशीनगर जिले का ही नाम तो रोशन हो ही रहा है, बल्कि ये भारत में पूरा पंचम लहरा रहा है कि कुशीनगर जिले के सिंघा ग्राम सभा में एक हिंदू भाई ने इतना बड़ा ताजिया बनवाया है, जो कि हिंदू मुसलमान के लिए एक मिसाल कायम हो रहा है। उन नेताओं के लिए ये कहना चाहूंगा कि आप हिंदू मुस्लिम लगातार करते रहते हो, हिंदू मुस्लिम की एक दूसरे को लड़ाते रहते हो, आप देखो आंख खोल करके इस ताजिए को, एक हिंदू भाई ने इस ताजिए को बनवाया है, कितना बड़ा काम किया है, मुसलमान भाइयों के लिए काम किया है। सोचिए, आपको भी ये बात सोचना चाहिए
ये जो आप लगातार कहते हैं हिंदू मुस्लिम की बातें करते रहते हैं, धर्म की बातें करते हैं, धर्म के ठेकेदारों से मैं कहना चाहूँगा आप आँख खोल करके देख लीजिए इस वीडियो को और इस ताजिया को देखिए कितना शानदार तरीके से ताजिया बनवाया गया है, कितना बेहद खूबसूरत ताजिया का नज़ारा आपको लग रहा होगा। आप देख ही सकते हैं कितना अभी अभी इसमें काम चल ही रहा है। सोचिए भाई साहब, हमारे देश में ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो धर्म से ऊपर उठ के भी काम करते हैं, उनको हर जगह सम्मान होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे होंगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और उस हिंदू भाई के लिए क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।